हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और अभी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। तो मैं जस्ट अभी नहा के आ चुकी हूँ और मेरे फेस पे हो गया है बड़े बड़े दो पिंपल। एंड नॉर्मल वाले पिंपल नहीं हुए मुझे, मुझे बहुत पेनफुल वाले पिंपल हुए, जो बहुत रेड रेड सा होता है ना, वो वाला पिंपल हो गया। और आपको दिखा रही हूँ मैं सोफी क्या कर रही है। तो गाइस ये है सोफी। हाँ अभी मैं जाती हूँ वहां पर, ये आके बैठ जाती है। जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ मैं अपना स्किन केयर। चुका है मेरा स्किन केयर। तो गाइस घर का सारा काम खत्म हो चुका है, बर्तन धुल गया है, कपड़ा धुल गया है और झाड़ू पोछा हो गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लगा ली है एक मेड घर पे काम करने के लिए, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, इसकी वजह से खाना बनाने में लेट हो जाता था और मेरे जो एक्स्ट्रा काम है वो नहीं हो पाते थे। व्लॉग मैं टाइम से नहीं बना पाती थी, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता था। ऐसे तो सारा काम मैं खुद से कर लेती थी, बट मैंने डिसाइड किया कि एक्स्ट्रा कामों के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए एक मेड रख लेते हैं। तो इसीलिए मेरा सारा काम अभी खत्म हो चुका है, मुझे सिर्फ बनाना है खाना। और आज मैंने ब्रेकफास्ट पे बनाया हुआ था ओट्स और बेसन का चीला। ओट्स ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ओट्स किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर लूँ। तो फर्स्ट बार मैंने ट्राई किया था बेसन का चीला और ओट्स। वाइज खाना बनाने का टाइम हो चुका है और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो जल्दी से जाते हैं, पालक पनीर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि सोफी फिर से है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो सोफी किसी भी चीज़ पे बैठती नहीं है, वो सिर्फ टाइल्स पे ही बैठती है, शायद उसको ठंडा लगता होगा। तो फाइनली गाइस खाना रेडी हो चुका है और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप है। मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाती हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे रेडी हो चुका है पालक पनीर की सब्जी, जो कुछ इस तरीके से लग रही है। मेरी रोटी यहाँ पे, गर्मा गर्म राइस भी रेडी हो चुका है। खाना तो मैंने रेडी कर दिया है और आप ये देख रहे हैं कि ये जो पर्दे ऊपर टंगे हुए हैं, तो पूरे जितने भी हमारे कमरे हैं वहाँ के सारे पर्दे को ऊपर टांग दिए मैंने, आप देख सकते हो, क्योंकि सोफी इसको दांत से खींच के मतलब इसके साथ खेलते रहती है, इस वजह से पर्दे कुछ इस तरीके से टंगे हुए हैं। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। सोफी को भी खाना देने का टाइम हो चुका है, तो उसको भी देंगे अभी खाना। बट अभी देखते हैं कि सोफी क्या कर रही है, उसको हम रूम में बंद कर देते हैं कि अभी वो छोटी है तो वो बाहर निकलती है तो गिर जाती है इधर उधर, तो उसको लग जाएगी करके हम इसे रूम में अभी बंद कर देते हैं। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर हम इसे बाहर ही रखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि सोफी क्या कर रही है। सोफी क्या कर रही थी तो? देखो 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 सोफी काम, देखो इसका यही चलता रहता है दिन भर। क्या कर रही थी तू, हैं क्या कर रही थी? तो गाइस बस ये बाहर निकलती है और सिर्फ ऐसा ही करते रहते।